21 नवंबर 2023 देव उठनी एकादशी तिथि के दिन बस कर लीजिएगा। एक मुट्ठी धनिया का प्राचीन काल के समय का महा उपाय जीवन का हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा बन जाओगे, आप करोड़पति खुशियों से भर जाएगा। आपका घर दोस्तों एक साल में 12 एकादशी तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व अगर किसी एकादशी तिथि को दिया गया है वह देव उठनी एकादशी तिथि को दिया गया है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। सनातन धर्म में देव उठनी एकादशी का विशेष महत्व है। कार्तिक माह की एकादशी को भगवान विष्णु 4 माह के विश्राम के बाद योग मुद्रा से जागते हैं, इसलिए इसे देव उठनी एकादशी कहते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि अगर आप देव उठनी एकादशी तिथि पर व्रत रखकर भगवान विष्णु जी या माता लक्ष्मी जी की से कोई भी वरदान या आशीर्वाद मांगते हैं तो एक ही दिन के व्रत से आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। लेकिन अगर इस दिन आप व्रत नहीं रख सकते हैं, पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, इसके विकल्प में शास्त्रों के अनुसार एक मुट्ठी धनिया का उपाय कर लेते हैं तो तुरंत ही आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी परेशानी कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाती हैं, बल्कि इस दिन अगर आपने धनिया का उपाय सही मुहूर्त पर कर लिया तो तुरंत ही भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपको आपके जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। धनिया का उपाय अगर आप देव उठनी एकादशी के दिन करेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, यह उपाय का पलट करके आपको करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। इसीलिए देव उठनी एकादशी तिथि के दिन धनिया का उपाय करना हमारे वेद पुराणों में शास्त्रों में बहुत ही शुभ और कल्याणकारी बताया गया है। दोस्तों, देव उठनी एकादशी का दिन बहुत ही पवित्र और पावन दिन माना गया है, क्योंकि पूरे 4 महीने की निद्रा के बाद भगवान विष्णु जी इस दिन अपनी निद्रा से जागते हैं। वेद पुराणों में वर्णन है कि इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, इसीलिए इस दिन कोई भी उपाय किया जाए उस उपाय का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ जरूर मिलता है। और अगर आप वेद पुराण के अनुसार इस दिन कोई भी उपाय करेंगे तो आपको तुरंत ही भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाएगा। और इस दिन अगर आपने भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय चीज धनिया का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया, जैसा आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, इस छोटे से उपाय को करने के बाद तुरंत ही भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको आपके जीवन के समस्त प्रकार के दुख परेशानी और कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि धनिया का उपाय करके आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है, तो आपकी जानकारी बता दें। दोस्तों, धनिया का सीधा संबंध धन से होता है। दूसरी तरफ धनिया में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा में आप धनिया का उपाय करेंगे तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाएगी। आपको उस उपाय का लाभ अवश्य ही पलट करके तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। और अगर आप देव उठनी एकादशी तिथि के दिन धनिया का उपाय सही तरीके से विधि विधान से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के सामने कर लेंगे तो मान के चलिए एक ही दिन के उपाय से आपको तुरंत ही भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके नवग्रह, आपके तारे और आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देंगे और आपके जीवन में आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। देखिए दोस्तों, धनिया आपको मार्केट में बड़ी आसानी से 10 रुपए की मिल जाएगी। बस इसका उपाय आपको कैसे करना है उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। और यकीन मानिए, अगर आपने देव उठानी एकादशी तिथि के दिन सही तरीके से विधि विधान से धनिया का उपाय कर लिया तो एक ही दिन के उपाय से न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इस उपाय को करने के बाद आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर पर माता लक्ष्मी जी वास करने आएंगे और भगवान विष्णु जी की कृपा से आपका सौभाग्य सदैव आपका साथ देगा।
यह एक ऐसा उपाय है जो आज भी कई करोड़पति व्यक्ति लोग प्रत्येक देव उठानी एकादशी तिथि के दिन करते हैं। तो इस उपाय को बस आपको सही मुहूर्त पर विधि विधान से करना है, जैसा तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आपके जीवन में हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए भगवान विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी जी की जय। और एक काम की जगह कमेंट बॉक्स में अपनी राशि एवं परेशानी जरूर डाल दीजिएगा, ताकि आपकी राशि और परेशानी के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो आप इस एकादशी तिथि के दिन करके लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले उपाय है दुर्भाग्य से मुक्ति पाने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य से आपको मुक्ति मिल जाए, आपके नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाए, आपके जीवन में आपका सौभाग्य आपका साथ दे, तो एक बात को समझ लीजिए, एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। और अगर आपने एक छोटा सा उपाय इस एकादशी पर कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो यह उपाय करने के बाद भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य आपका राहु केतु हमेशा आपका साथ देगा, आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। यह बहुत छोटा सा है उपाय, लेकिन बहुत अचूक उपाय है। आपको सिर्फ क्या करना है कि 23 नवंबर के दिन आपको सुबह नहा लेना है, धो लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है वहां पर आपको एक पीला कपड़ा बिछाना है। पीला कपड़ा बिछाने के बाद उसमें एक मुट्ठी धनिया रख देना है। देखिए, पीला रंग भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब पीले कपड़े में जो आपने एक मुट्ठी धनिया रखा है, इसको मौली धागे से बांध कर एक पोटली बना लीजिए और अपने हाथ में पीली पोटली को पकड़ लीजिए और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना, 11 अंक। भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है, बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आपको यह करना है कि इस पोटली को अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय आपको इस एकादशी तिथि के दिन करना है और अगली एकादशी तिथि पर आपको इसी पोटली को बहते हुए नदी में प्रवाहित कर देना है और नई पोटली को इसी प्रकार से अपने कमरे में रख लेना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो हमेशा आपका भाग्य आपका साथ देगा। ये पोटली आपकी हर उस दोष को पूरे साल खत्म करती रहेगी जिसकी वजह आपके जीवन में दिक्कत आती है। तो ये छोटा सा उपाय करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका राहु केतु आपका साथ दे, तो अगर आप भगवान विष्णु जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में इतना धन हो जिसके बाद आपके जीवन में आपको धन की कमी ना हो, माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से फिर आपके जीवन में आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, तो 23 नवंबर एकादशी तिथि की सूर्यास्त के बाद आपको ये छोटा सा उपाय करना है। आपको बस क्या करना है कि देव उठनी एकादशी तिथि के सूर्यास्त के बाद शाम को घर के पूजा घर पर आपको बैठना है, एक घी का दीपक माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने आपको जलाना है, आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है, एक लाल कपड़े पर एक मुट्ठी धनिया, 1 रुपए का सिक्का और 3 लौंग आपको रखना है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, एक मुट्ठी धनिया, 1 रुपए का सिक्का और 3 लौंग आपको रखना है। इस कपड़े की पोटली बना लेनी है और पोटली बनाने के बाद इस पोटली को अपने हाथ में पकड़ लेना है। पोटली को हाथ में पकड़ने के बाद माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है, क्योंकि 11 नंबर माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का जाप आपको सिर्फ 11 बार करना है और इस पोटली को अपनी अलमारी में तिजोरी में रख देना है। एकादशी तिथि के दिन यह उपाय अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से यह पोटली आपके जीवन में एक चुंबक बन जाएगी जो धन खींचने का काम करेगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे इस पोटली की वजह से, क्योंकि यह पोटली अभिमंत्रित हो चुकी है। यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय है जो आज भी कई करोड़पति व्यक्ति लोग करते हैं, तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा।
अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि सदैव आपका भाग्य आपका साथ दे, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो दोस्तों बस क्या कीजिएगा कि इस देवउठनी एकादशी तिथि के दिन आप घर पर 11 रोटियां बनवा लीजिएगा, क्योंकि 11 अंक भगवान विष्णु जी को माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। हर रोटी पर आपको 11 की संख्या में धनिया रख देना है और ये किसी भी गाय को खिला देना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो हमेशा आपका भाग्य आपका साथ देगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। यह उपाय इसलिए आपको करना है क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। खुद भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़े गौ सेवक थे और यह उपाय अगर आपने इस एकादशी तिथि पर कर लिया तो पूरे साल आपके राहु केतु आपके नवग्रह आपका भाग्य आपका साथ देंगे। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा और यह प्रत्येक देवउठनी एकादशी तिथि के दिन उपाय किया जाए। एक व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को एक बार समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और जय भगवान विष्णु जरूर लिख दीजिएगा।